मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिचा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का ईवीएस का सेकेंड लेसन। हमारा सेकेंड लेसन है माई फैमिली। माई फैमिली मतलब हमारा परिवार। हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आगे मैं लेसन पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। वी लिव एट होम विद अवर फैमिली। हम अपने घर पर अपनी परिवार के साथ रहते हैं। अ फैमिली हैज अ मदर अ फादर एंड चिल्ड्रन। एक फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। नाउ लेट्स टेक अ फोटो और ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फैमिली ग्लो। यहाँ पर आप इस बॉक्स में अपनी फैमिली मेंबर्स की फोटो पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल। मतलब एक फैमिली बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉल फैमिली, मतलब छोटी फैमिली। स्मॉल फैमिली हैज वन और टू चिल्ड्रन। मतलब एक जो छोटी फैमिली होती है, छोटा परिवार होता है, उसमें मम्मी पापा और उनके अलावा दो बच्चे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब बिग फैमिली, मतलब बड़ी फैमिली। तो जो बड़ी फैमिली होती है उसमें कौन कौन होती है? मम्मी पापा और दो से ज्यादा बच्चे। अब बिग फैमिली हैज मोर देन टू चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होते हैं बिग फैमिली में। इसके बाद हम देखेंगे अब बिग फैमिली कैन ऑल्सो बी अ ज्वाइंट फैमिली। मतलब जो बिग फैमिली बड़ा परिवार होता है वो ज्वाइंट फैमिली भी हो सकता है। ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं? जैसे आप सभी लोग रहते होंगे अपने दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ, चाचा चाची के बच्चे, आपके कजन ब्रदर सिस्टर, ये सब आते हैं। तो हम देखेंगे अ ज्वाइंट फैमिली हैज मैनी पीपल इन इट। मतलब ज्वाइंट फैमिली जो संयुक्त परिवार होता है उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। दे इंक्लूड अवर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, अंकल्स, आंट एंड कजन। मतलब हमारी जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें कौन कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, पेरेंट्स, मम्मी पापा, ब्रदर आपके भाई, सिस्टर आपकी बहन, अंकल आपके चाचा, आंट आपकी चाची और उनके बच्चे, मतलब कजन ब्रदर सिस्टर। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है ये आपको ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको इस लेसन में जो भी प्रॉब्लम हुई हो आप वो मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।